और आपको बताते चलें, बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां जयपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता भी की है। और आपको हम अवगत करा दें कि विधायक दल की बैठक के दौरान जारी बजट सत्र की रणनीतियों पर चर्चाएं हुई। पूछ देखिए कि संविधान की हत्या का दिवस 15-25 जून को मनाएंगे, ये देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए देश की सरकार है, वो संविधान की हत्या शब्द को वहाँ पर कितने साल बाद में, कब की घटना, 75 की घटना है, और 75 की घटना को आज ये 10 साल बाद में इस तरीके से वहाँ पर गजट नोटिफाइड करवा रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं, लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं, और किस प्रकार से जो ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, उनसे उस हाउस का दुरुपयोग करवाया जा रहा है। तो ये सही मायने में जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, पार्टी के लोग कहते हैं कि ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये तानाशाह लोग हैं, ये नफरत फैला करके देश पे सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और आने वाला समय बताएगा। अभी तो बहुमत से काफ़ी दूर रह गए, 5 साल ये सरकार चला नहीं पाएंगे। और मुझे जो इनका यहाँ राजस्थान में ढंग दिख रहा है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये सरकार मुख्यमंत्री के पूरा प्रदेश समझ में भी नहीं आ रहा है, मंत्रियों के मुझे क्या काम करना वो समझ में नहीं आ रहा, इनको ऐसे बाबू मिल नहीं रहे हैं, अधिकारी इनकी मान नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तो झगड़ा ये चल रहा है कि पहले झगड़ा चल रहा था कि बजट कौन प्रस्तुत करेगा, बना मुख्यमंत्री जी रहे थे, अंतिम जो रूप दिया गया वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया, फिर पढ़ा गया वित्त मंत्री के द्वारा, और उसके बाद में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर रहे हैं, फिर जो समीक्षा है बजट को इम्प्लीमेंट करने की उसमें वित्त मंत्री गायब है, और आज मैं समझता हूँ कि जवाब वित्त मंत्री का हक बनता है, उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी कई तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। मैं समझता हूँ कि कल शायद CM को इसीलिए उन्होंने कॉल किया था कि आप इस तरीके से वहाँ पर झगड़े मत फैलाइए, अपने आप को पूरी सरकार को कंट्रोल कीजिए, MLAs को कंट्रोल कीजिए, एक इस्तीफा तो दिया हुआ है वो इनसे निपटा नहीं, और दूसरे इस्तीफे की तैयारियाँ चल रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, जनता के मुद्दों से उनको कोई वास्ता नहीं है, प्रदेश के विकास से इनको कोई वास्ता नहीं है। जिस प्रकार से एक शिक्षा मंत्री अनलगर बयानबाजी कर रहा है, इनके UDH मंत्री किस तरीके के बयान दे रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, इनके MLA किस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर धर्म और जाति के आधार पर झगड़े फैल जाएँ, नफरत फैल जाए और ये प्रेम भाईचारा खत्म हो जाए प्रदेश का, तो ये लोग बाग पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल, नफरत का माहौल पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हम इनका मुकाबला करें।